तो हेलो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्राइव जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक प्रॉब्लम आ रही है इनवाइट वाली, तो क्या आपके भी व्हाट्सएप में ऐसी दिक्कत आ रही है? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हटाएंगे, इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है, पूरी बातें आपको दिखाते हैं बताते हैं, ठीक है। जैसे ही आप व्हाट्सएप अपना ओपन कर रहे हैं ना, मैसेज बॉक्स में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैसेज बॉक्स में जा रहे हैं। नीचे की साइड जब आप जा रहे हैं ना, इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन इस तरह से आ रहा है इनवाइट करने का। मैंने किसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आई मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा आई मैं आपको बताता हूँ। चलना है अपने फ़ोन के ना प्ले स्टोर की तरफ चलना होगा, ठीक है। आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, सबसे पहले प्ले स्टोर की तरफ चलना है। यहाँ पे व्हाट्सएप ढूंढ लेना है और व्हाट्सएप को अपडेट करना है। सबसे पहली खासियत है आपको अपडेट व्हाट्सएप को कर ही लेना है। अपडेट करने के बाद वापस से आपको क्या करना है आई मैं आपको बताऊँ। व्हाट्सएप अपडेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चलना है, या तो सेटिंग में ना जाएँ तो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप वाली ऐप पे ना ऐसे दबा के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप इन्फो का एक ऑप्शन आएगा, इस ऐप इन्फो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है फोर्थ स्टाफ का, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है, परमिशन पर आप क्लिक करेंगे। परमिशन पर क्लिक करने के बाद सभी परमिशन अलाउ कर देंगे, और ख़ास करके यहाँ पे जो यह कॉन्टेक्ट वाला परमिशन है अलाउ होना चाहिए, तभी वहाँ पे शो करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉल लॉक को अलाउ कर देते हैं, और वापस से हम यहाँ से बैक आने के बाद फ़ोन को भी अलाउ कर देते हैं। सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद वापस से बैक आएंगे, स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर कैच पे क्लिक करेंगे। क्लियर स्टोरेज में नहीं, क्लियर कैच पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वापस से बैक आएंगे, और बैक आने के बाद हमें अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना होगा। जैसे हम अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमें अब क्या करना है, अपने फ़ोन के यहाँ पे डब्बे पर क्लिक करना है, जो किनारे पर डब्बा, इस पर क्लिक करना है। किनारे पर थ्री बिंदु दिखेगा, तीन डॉट, इस पर क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश कर देंगे ना, अब यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सभी का सभी कॉन्टेक्ट आ जाएगा और दिखने लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी ना हो तो आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करिएगा, एक मिनट के लिए। स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा से ओपन करिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। यदि फिर भी ना सॉल्व हो तो आपको क्या करना है, जिनका नंबर नहीं शो कर रहा है उनका नंबर डिलीट करके दोबारा से सेव करिए और शो करने लगेगा, और आप रिफ्रेश यहाँ पर जरूर करिएगा, थ्री डॉट पे आकर रिफ्रेश करते रहिएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो हमारी यदि पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।